भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की असीम अनुकंपा से आज भगवान की पावन कथा चतुर्थ दिवस में प्रवेश कर रही है। राम कथा के रसिक श्रोता श्री हनुमान जी महाराज की असीम अनुकंपा जो यहाँ पर अपने निराकार स्वरूप में विराजित हैं, ऐसे श्री हनुमंतलाल जी के श्री चरणों में नमन और वंदन करते हुए आज कथा आगे की तरफ चलती है। कल कथा का विश्राम था नारद जी का मुख प्रसंग। भगवान भूतनाथ कैलाश पर्वत पर जगत जननी माँ भगवती पार्वती को यह कथा श्रवण करा रहे हैं। कथा श्रवण कराते हुए भगवान शंकर पार्वती जी से कहते हैं, पार्वती रामो जन्मो के हेतु अनेका और श्रुति कहीं अधिक एकते का। भगवान के इस धरातल पर अवतार लेने के अनेकों कारण हुआ करते हैं, वो सब एक से एक बढ़ करके हैं। इस धरातल पर भगवान श्री राघवेंद्र का अवतरण जिन कारणों से हुआ उनमें से मैंने कुछ का बखान पार्वती आपके सम्मुख किया है और एक दो कारण और भी मैं तुमसे बताता हूं, ध्यान दे करके सुनो। सोने मुनि कथा पुनीत पुरानी जो गिरिजा प्रति शंभु बखानी विश्व विदित एक कैक्य देशु सत्य के तुता बसहीन रेशु। भगवान शंकर पार्वती से कहते हैं कि पार्वती संसार में विख्यात एक कैक्य नामक देश था जहां सत्य केतु राजा अपनी प्रजा का पालन धर्म पूर्वक किया करता था। वह परम बलवान यशस्वी धर्म पूर्वक राज्य करता था। एक दिन राजा प्रताप भानु
अपने को सैनिक की टुकड़ी लेकर के जंगल में आखेट खेलने के लिए जाता है। संयोग से उसको एक शूकर दिखाई पड़ा। राजा उस पर वार करता है पर वो छुप जाता है। बार बार राजा के वार को बचाता है। संयोग से राजा मार्ग भटक जाता है और उसका पीछा करते हुए संध्या समय तक वापस नहीं आता है। राजा ने सोचा कि जंगल में मार्ग भटक चुका हूं, हमारे सैनिक भी हमसे बिछड़ चुके हैं, ऐसे समय में मुझे रात्रि विश्राम के लिए कोई स्थान देखना चाहिए। पर इस निर्जन वन में मैं रात्रि कहां पर बिताऊंगा? ऐसा विचार कर ही रहा था कि उसे एक आश्रम दिखाई पड़ा। जहां पर एक कपट मुनि अपना भेष बदल करके, जो पहले तो राजा था परंतु प्रताप भाम से पराजित होकर के वो अपने नगर को वापस नहीं गया, जंगल में कुटिया बना करके रहने लगा। राजा प्रताप भान उस कपट मुनि के आश्रम पर पहुंचते हैं, जाकर के दंडवत प्रणाम किया। कपट मुनि कहने लगा कि आइए, आप कौन हैं? राजा ने अपने मन में विचार किया कि मैं अपनी सही पहचान यदि बताऊं तो कहीं मेरे साथ कोई धोखा ना हो जाए, इसलिए राजा प्रताप भानु कपट मुनि से कहते हैं कि हे मुनिवर, नाम प्रताप भानु अवनीशा तासु सचिव मैं सुनहु मुनीषा। हे मुनिवर, एक प्रताप भान नाम के राजा हैं, मैं उनका मंत्री हूं। प्रभु, मैं जंगल में मार्ग भटक गया और भटकते हुए मैं आपकी शरण में आया हूं। मुझे रात्रि में विश्राम करना है, परंतु आज मैं अपने को बड़ा भाग्यशाली समझ रहा हूं कि मार्ग भटक जाने के बाद मैं आपकी शरण में पहुंचा हूं, इसलिए मुझे लगता है अवश्य मेरा कोई पुण्य उदय हुआ है जिससे मैं आपके दर्शन कर पा रहा हूं। हे मुनिवर, मैंने अपना वृतांत तो कह लिया पर आप अपना वृतांत तो सुनाइए। राजा के इन शब्दों को सुनकर के कपट मुनि कहने लगा, हे राजा, हे मंत्रीवर, मेरा नाम एक तनु है। राजा ने पूछा कि हे मुनीश्वर, आप अपने नाम का अर्थ बखान करके कहिए। कपट मुनि कहने लगा कि जब से ब्रह्मा जी ने सृष्टि की संरचना की है और आज तक
मैं इसी शरीर से इस संसार में विद्यमान हूँ और यहाँ एकांत में रह करके तपस्या कर रहा हूँ। राजा बड़े आश्चर्य से कहने लगा कि मुनिवर, यह संसार तो मृत्यु धर्मा है, यह मृत्यु लोक में जो भी आता है उसको शरीर अवश्य छोड़ना पड़ता है, परंतु आप कह रहे हैं कि जब से ब्रह्मा जी की सृष्टि प्रारंभ हुई है और आज तक मैंने दूसरा कोई जन्म नहीं लिया। वो कपट मुनि कहने लगा कि राजन, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है, तपस्या के बल से सब संभव हो सकता है। मैंने हजारों वर्ष तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया है, जिसके कारण मैं इसी शरीर से संसार में विद्यमान हूं। राजा ने उस कपट मुनि की बात को सुनकर के उस पर विश्वास किया और कहने लगा कि मुनिवर, मुझसे एक भूल हुई है, मैंने आपसे झूठ बोला है कि मैं सत्य केतु राजा का सचिव यानी मंत्री हूं, परंतु मैं स्वयं सत्य केतु राजा ही हूं। कपट मुनि कहने लगा कि राजन, मैं तुझको जानता हूं, मैंने पहले ही तुझको पहचान लिया था, ऐसा सुनकर के राजा को और आश्चर्य हुआ। आगे एक दूसरे से चर्चा करने लगे और कुशल थे पूछने के बाद राजा कहने लगा कि अवश्य मेरा भला होने वाला है, ऐसा मुझे लग रहा है। हे मुनिवर, आप कृपा करके जो मैं आपसे मांगूं वह दीजिए। कपट मुनि ने राजा सत्यकेतु की इस बात को सुनकर के कहा कि राजन, संसार में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जिसे मैं न दे सकूं, तुम संकोच छोड़ करके मुझसे मांग लीजिए। राजा ने जब कपट मुनि की इस बात को सुना तो राजा सत्यकेतु कहने लगा, हे मुनि श्रेष्ठ, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि जहां से सूर्य उदय होता है और जहां तक अस्त होता है वहां तक मेरा एक छत्र राज्य हो जाए, और दूसरा वरदान ये दीजिए कि संसार में मेरा कोई शत्रु नहीं रहे, और तीसरा वरदान ये दीजिए कि मैं सत्यायु यानी लंबी आयु वाला हो जाऊं और मैं रोग मुक्त हो जाऊं, कोई मेरे को जीत न सके, ऐसा वरदान आप कृपा करके मुझे दीजिए। कपट मुनि कहने लगा, हे राजेंद्र, तथास्तु ऐसा ही होगा, परंतु एक बात जो मुझे दिखाई पड़ रही है, वैसे तो आपको मारने वाला कोई नहीं होगा, परंतु ब्राह्मणों के श्राप से मुझे भय लग रहा है, या तो इस बात को जो हम और आप बता रहे हैं आपस में बात कर रहे हैं यह किसी तीसरे व्यक्ति को पता नहीं चलनी चाहिए,
ये प्रकटे अथवा द्विज श्रापा नासुतोरु सुनु भानु प्रताप। या तो छठे व्यक्ति को इस बात का पता चलने से या ब्राह्मणों के श्राप से तेरी मृत्यु होगी, अन्यथा ब्रह्मा शिव विष्णु सब तेरे ऊपर कोप करें, जब भी तेरा नाश नहीं होगा। राजा उस कपट मुनि से कहने लगा कि मुनिवर, ब्राह्मणों के श्राप से मैं कैसे बच सकता हूं, इसका उपाय बताइए। वह कपट मुनि बोला कि तुम अपने राज्य में वापस पहुंच करके नित्य ब्राह्मणों के लिए भंडारा करो और नित्य नूतन यानी जिसको आज निमंत्रण दिया उसको नहीं दूसरे को कल अन्य को निमंत्रण देना, ऐसे सारे ब्राह्मणों को आप आमंत्रित करें, इससे सहज में ही सारे ब्राह्मण आपके वश में हो जाएंगे और उनके वरदान से आपका राज्य अक्षय हो जाएगा। और उन ब्राह्मणों के लिए रसोई में स्वयं बनाऊंगा। राजा थका हुआ था, सो गया। इधर वह राक्षस जो कपट रूप धारण करके राजा को यहां तक ले आया था उस कपट मुनि के पास पहुंचा। राजा ने उस राक्षस से कहा कि इस राजा ने उस मुनि ने उस राक्षस से कहा कि इस राजा ने हमारे और तेरे सारे कुल को नष्ट कर दिया है, इसलिए आज ऐसा अवसर बना है हम दोनों मिलकर के इसको समूल नष्ट कर देंगे। इसके लिए तुमको एक कार्य करना होगा, इसको सोते हुए इसके राजमहल में पहुंचाना होगा जिससे इसका विश्वास हमारे ऊपर अडिग हो जाए। जो सूकर बन के उस राजा को भटका करके ले गया था वह माया भी था, उसने ले जा करके राजा को अश्व यानी घोड़ा सहित अपने महल में पहुंचा दिया। इधर रानी ने देखा कि महाराज आप रात्रि में किस समय यहां पर आए, पर राजा चुप हो गया। मुनि की बात को ध्यान में रखते हुए कि यह बात मुझे किसी को बताना नहीं है। इधर वह राक्षस राजा के पुरोहित का रूप धारण करके वहां पर उपस्थित होता है और राजा को एकांत में बुला करके अपने आने का कारण बताता है। तो राजा ने कपट मुनि की बात को ध्यान में रखते हुए हजारों ब्राह्मणों को आमंत्रित किया। वह राक्षस जो कपट वेश में वहां पर आया हुआ था उसने मांस मिश्रित भोजन तैयार करवाया, पर जैसे ही वह भोजन उन ब्राह्मणों को परोसा जा रहा था कि उसी समय आकाशवाणी होती है कि ब्राह्मणों आप भोजन मत करना, भयउ रसोई भूषर मासु सब दुजोठे मान विश्वासु। ये रसोई बनी है, ये ब्राह्मणों के मांस से बनी है, इसलिए यार आप इस भोजन को करेंगे तो आपका धर्म नष्ट हो जाएगा। सारे ब्राह्मण एकाएक खड़े हो जाते हैं
और राजा को श्राप देते हुए कहते करे राजन तेने मेरे धर्म को नष्ट करने के लिए प्रयत्न किया है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूं कि 6 महीने के अंदर तू कुल सहित नष्ट हो जाएगा। जब ब्राह्मणों के द्वारा इस तरह का श्राप राजा को मिला तो राजा कांपने लगा। पुनः आकाशवाणी होती है कि विप्रभु श्राप विचार न दीना नहीं अपराध भूप कछुकीना। पुनः आकाशवाणी होती है कि ब्राह्मणों आपने भी विचार करके श्राप नहीं दिया, इसमें राजा का कोई दोष नहीं है, इसके साथ छल हुआ था। इस आकाशवाणी को सुनकर के राजा पुनः रसोई में जाता है तो वहां जाकर के देखता है न वो पुरोहित है न कोई रसोई है। आकर के सारा वृतांत ब्राह्मणों से कहता है। ब्राह्मण कहते हैं कि हे राजन यद्यपि तुम्हारा इसमें कोई दोष नहीं है, आपके साथ छल हुआ है, परंतु ब्राह्मणों का श्राप मिथ्या नहीं हो सकता है। गोस्वामी जी रामचरितमानस में लिखते हैं कि ब्राह्मणों के श्राप के कारण राजा प्रतापवान कुल सहित नष्ट हो जाता है और अगले जन्म के में वही प्रताप भानु और उसका भाई अरिमर्दन जिसका नाम था वो रावण और कुंभकर्ण के रूप में अवतरित होते धरातल पर। वो इधर मनु और शत्रुपा जिनको भगवान ने पूर्व में वरदान दिया था कि मैं तुम्हारे यहां अवश्य पुत्र रूप में अवतरित होऊंगा, पुत्र रूप में जन्म लूंगा, वो अयोध्या में महाराज दशरथ और महारानी कौशल्या के रूप में अवतरित होते हैं। इधर प्रताप भानु और उसका छोटा भाई रावण और कुंभकर्ण के रूप में धरातल पर अवतार लेते हैं। आगे इस कथा को विस्तार से सुनने की इच्छा से जगत जननी माँ पार्वती जी भगवान शंकर से कहने लगी हे प्रभु भगवान राम का अवतार इस धरातल पर जो हुआ उस कथा को मैं विस्तार से सुनना चाहती हूँ। भगवान शंकर कहने लगे कि पार्वती रावण में कठोर तप करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया कि हम काहू के मरहिन मारे बानर मनुज जात दुई बारे। हे ब्रह्मा जी हम किसी के द्वारा मारे नहीं जाएं, केवल मनुष्य और बंदर को छोड़ करके इस प्रकार का वरदान प्राप्त करके उसका अत्याचार और अनाचार इस धरातल पर इतना बढ़ गया
कि सारे देवता रावण के भय से भयभीत रहने लगे। एक दिन वह रावण कैलाश पर्वत की तरफ गया। कौतुक ही कैलाश मुनि लीने सी जाई उठाए, मनहु तोल निज बाहुबल चला बहुत सुख पाए। खेल खेल में ही उसने कैलाश पर्वत को उठा लिया। ऐसा लग रहा था कि मानो उसने अपने बल विक्रम को तौला हो, अपने बल विक्रम को बढ़ता हुआ देख करके उसका अत्याचार अनाचार इस धरातल पर और बढ़ गया। सुख संपत्ति सुत सेन सहाई, जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई, नित नूतन सब बाढ़त जाई, जिम प्रति लाभ लोभ अधिकाई। शंकर जी कहते हैं कि पार्वती, रावण के कुटुंबीजन धन संपदा इस प्रकार से बढ़ रही थी, जैसे किसी व्यक्ति को अधिक लाभ प्राप्त होने से उसका लोभ बढ़ जाता है। सारे संसार में रावण के अत्याचार और अनाचार से हाहाकार मचने लगा। यहां तक था कि रावण जब पृथ्वी पर वितरण करता था तो उसके बल से पृथ्वी डगमगाने लगती थी और रावण के जो अनुयायी थे वो संसार में अत्याचार करने लगे। रावण के अत्याचार से पृथ्वी भयभीत होने लगी। अतिशय देखी धर्म की ग्लानी, परम सभी तु धरा अकुलानी। रावण के अनाचार से पृथ्वी कंपायमान होने लगी। भयभीत होकर के मन में विचार करने लगी पृथ्वी कि गिर सर सिंधु भार नहीं मोही, जस मोई गरुव एक पर द्रोही। पृथ्वी कहती है कि संसार में मेरे ऊपर कितने भी नदी निकाल दी जाए, कितने भी पर्वत का निर्माण कर दिया जाए, पर उनका भार से मैं बोझित नहीं होती हूं, उनका भार मुझको नहीं व्याप्ता है, परंतु एक दुष्ट एक अनाचारी मेरे ऊपर पैदा हो जाता है तो उसको भार को सहन करना मेरे लिए असहनीय हो जाता है। पृथ्वी भयभीत होकर के जब देख रही है कि सारे कार्य संसार में विपरीत हो रहे हैं, परंतु सकल धर्म देखे विपरीता, कह न सके रावण भयभीता। पृथ्वी सारे धर्म को विपरीत होता हुआ, सर्व कर्म को विपरीत होता हुआ देख करके भी, परंतु रावण के भय से कुछ कह नहीं सकती है। आज देवी पृथ्वी ने विचार किया कि असुर के अत्याचार अनाचार से कैसे बचा जाए। आज गौ का रूप धारण करके धैन रूप धरे हृदय विचारी, गई जहां जा सुर मुनि झारी, निज संताप सुनाय सिरोई, काहू ते कछु काज न होई। पृथ्वी भयभीत होकर के गौ का रूप धारण करके देवताओं के पास पहुंची और देवताओं से रावण के अत्याचार और अनाचार का बखान करने लगी।
देवताओं ने कहा, हे देवी, मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता, क्यों मैं स्वयं रावण के भय से भयभीत रहता हूं। सुर मुनि गंधर्वा मिलु करु सरुवा गए व्रंजी के लोका संगौ तनुधारी भूमि विचारी परम विकल भय शोका ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना मोर कछु न बसाई जा करते दासी सो अविनाशी हमारे उतोर सहाई। सारे देवता मिलकर के सब मुनिजन आज ब्रह्मा जी की शरण में आते हैं और ब्रह्मा जी से अनुनय विनय करने लगे कि हे पितामह, हम सब रावण के भय से उसके अनाचार अत्याचार से भयभीत होकर के हम आपकी शरण में आए हैं, आप हमारी रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे देवताओं, हे देवी पृथ्वी, हम आपकी कोई सहायता नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैं उसको वरदान दे चुका हूं, मैं उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता हूं, इसलिए हम सब मिलकर के भगवान की शरण में चलें, जो हमारी और तुम्हारी सहायता कर सकते हैं। आज इस बात को सुनकर के सारे देवताओं में मन में विचार करने लगे कि भगवान को प्राप्त करने के लिए हम कहां पर जाएं। बैठे सुर सब करहि विचारा और कहां पाइए प्रभु करहि पुकारा। और सारे देवता त्राहि त्राहि करते हुए भगवान की खोज कर रहे हैं कि भगवान को हम कहां प्राप्त करेंगे। पूर्वै कुंठ जानु कह कोई को कह पै नज बस प्रभु। कोई कहता कि वैकुंठ के लिए प्रस्थान करना चाहिए, भगवान वहां पर हमेशा निवास करते हैं। भगवान शंकर कहते हैं कि पार्वती